एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS से नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स एंड इसमें एक पोस्ट है जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट भर्ती रहेगी। अभी इसका न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स रिलीज कर दिए गए हैं, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाना है। तो ऐसे में ये जो भर्ती रहेगी ऑल इंडिया लेवल की रहेगी, सभी स्टेट्स में भर्ती की जाएगी जहाँ पर भी EMRS है। ओके, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 12th पास कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट होती है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में जब JSA पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है, इट मींस ये जो पोस्ट है ये 12th लेवल की रहती है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको JSA पोस्ट के बारे में बताऊंगी जो कि EMRS में भर्ती की जानी है। वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, एक स्कूल में कितने JSA की पोस्ट होते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया एंड इसमें सैलरी क्या रहेगी, प्रोविजन पीरियड एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगी। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, सो आप सभी तैयार रहिएगा अगर आप JSA पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको लगता है कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इन EMRS। पोस्ट नेम जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको हम शॉर्ट में JSA भी कहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सभी जगह JSA की वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 2 पर EMRS। टोटल जो पोस्ट हैं वो 1480 हैं और हर एक EMRS में मींस हर एक जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, हर एक स्कूल में दो पोस्ट JSA की रहती हैं। आपके नज़दीकी आपके स्टेट में जितने भी EMRS होंगे, हर एक EMRS में दो दो वैकेंसीज अगर आती हैं इन फ्यूचर पर। वैकेंसीज कितनी रिलीज होती हैं ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दो पोस्ट JSA की रहती हैं। एंड ये जो पोस्ट रहती है ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, ग्रुप सी की पोस्ट है। सैलरी लेवल 2 से रहती है, 19,900 से 63,200 ये आपकी बेसिक पे रहती है। इसके बाद एज क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट 30 है। 12th लेवल की है तो आई थिंक यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि JSA पोस्ट के लिए जहाँ पर भी वैकेंसीज जिस भी डिपार्टमेंट में आती हैं मिनिमम एज 18 रहती है एंड मैक्सिमम यहाँ पर 30 या फिर 27 डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है अपर एज लिमिट। मिनिमम आपकी 18 रह सकती है क्योंकि 12th लेवल की ये पोस्ट रहती है। अब इसके लिए अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं तो आपको 55 ईयर्स तक का यहाँ पर रहेगा रिलैक्सेशन। वहीं SC ST OBC जो कैंडिडेट रहेंगे, PWD कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जो एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिल जाएगा। SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं तो इसमें उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पर 12th तो आप पास आउट हो ही, साथ में आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाती है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैम ये दोनों ही टाइपिंग हमको आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप सीख लीजिए इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश में आपके वर्ड 35 वर्ड पर मिनट रहेगी स्पीड। एंड अगर आप हिंदी की करना चाहें तो हिंदी की भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए आपके 30 वर्ड पर मिनट रहेंगे, डिपेंड करता है आप जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आपको करनी होती है, दोनों आपको नहीं करनी होती, किसी एक का टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा। लेकिन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए टाइपिंग मस्ट होती है, इसलिए टाइपिंग अगर आपको अभी नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, क्योंकि JSA की जो पोस्ट होती है वो LDC जो पोस्ट आपने सुना होगा लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसी के इक्विवेलेंट होती है। तो सेम दोनों की ही जो कंडीशंस रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग दोनों का सेम ही है, क्योंकि इसी के इक्विवेलेंट हम इसको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहते हैं। ओके, सो 12th पास आप हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। टाइपिंग अगर आपको आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो अभी से आप सीख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 साल का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, मुझे फर्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर मुझे कमेंट आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ,
जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, मींस कहीं पर 1 साल का होता है, कहीं 2 साल का होता है, कहीं 3 साल का होता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर। जैसे यहाँ पर 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड मींस आपको 2 साल तक स्थायी भर्ती नहीं होती है, प्रोबेशन पर रखा जाता है। आपका वर्क देखा जाता है, आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, आपको देखा जाता है, परखा जाता है। उसके बाद आप अगर ये जो कंप्लीट कर लिया आपने, जो टाइमिंग आपको दी गई है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, देन आपको परमानेंट भर्ती कर दी जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर 2 ईयर का है तो इसमें बहुत से लोगों को हटा दिया जाता हो, तो बहुत ही कम है। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोविशन पीरियड सभी का सक्सेसफुली कंप्लीट लगभग हो ही जाता है एंड परमानेंट भर्ती आपको दे दी जाती है। और यहाँ पर जो भर्ती है JSA पोस्ट के लिए, कोई भी यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू नहीं होगा, 100% यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ओके, सो JSA पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, फ्रेशर कैंडिडेट 12th पास अप्लाई कर सकेंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर अभी इसमें तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स में जहां पर भी JSA की वैकेंसीज आती हैं उसमें इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है उसमें सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ में फिर आपका यहाँ पर होगा टाइपिंग, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग रिक्वायर्ड रखी गई है। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा और आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। तो ये 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ओके, सो JSA पोस्ट के बारे में EMRS में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर आप एलिजिबल हो, आपको लगता है, आपको जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है बता दी गई हो, उसके बाद अगर आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।